दोस्तों आजकल अक्सर लोग एक सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे लाइव में भी या कोई हमसे मिलता है तो भी, और किसी किसी से हम भी पूछ लेते हैं कि YouTube पर आने का मतलब क्या है, YouTube पर आने के लिए आप कैसे मोटिवेट हुए, कैसे आपके दिमाग में आया कि मैं YouTube पर काम करूं। दोस्तों देखिए, इंसान कोई भी काम करता है तो अपनी इच्छा जिस काम में उसकी होती है वही काम वो करता है, और अपनी इच्छा के विरुद्ध अगर वो काम इंसान करता है तो उसमें सफलता उसको बहुत कम मिल पाती है। और YouTube एक ऐसी लाइन है दोस्तों, YouTube पर वही इंसान आता है जिसको पैसों की ज़रूरत होती है, जो बेरोज़गार होता है और जो मिडिल क्लास का होता है। हालांकि YouTube पर आने के बाद वो बड़ा आदमी बन जाए, धनवान हो जाए तो अलग बात है, लेकिन YouTube पे कैरियर की शुरुआत लगभग 90% लोग ऐसे ही करते हैं जो मिडिल क्लास के होते हैं या गरीब घर के होते हैं। आज जो YouTube पर जिनके पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, अगर उनका आप पुराना वीडियो उठा करके देखेंगे या फिर अगर उन्होंने वीडियो प्राइवेट कर दिया तो किसी तरह से उनकी पुरानी हिस्ट्री के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों ना तो उनका घर आपको अच्छा लगेगा, ना उनकी शक्ल अच्छी आपको लगेगी, ना उनका काम अच्छा लगेगा। लेकिन करते 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 उनकी शक्ल भी अच्छी हो जाती है, उनका काम भी अच्छा हो जाता है, उनका घर भी अच्छा हो जाता है, ओवरऑल सब कुछ एवरीथिंग वेरी गुड। तो दोस्तों मेरे कहने का देखिए मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान YouTube पर आता है काम करने के लिए तो ऐसा नहीं है कि वो पहला ही वीडियो डालेगा और पहला ही वीडियो आपको पसंद आ जाएगा, वो काम स्टार्ट करेगा, करते 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 धीरे धीरे काम करता जाएगा, काम में जो है उसकी शार्पनेस आती जाएगी, बातें बढ़ती जाएंगी, दिमाग चलता जाएगा और धीरे धीरे वो इंसान मतलब सीख जाएगा। और रही बात क्या सोच करके आता है, तो देखिए YouTube पर हर इंसान यही सोच करके आता है कि हम जाएंगे, सक्सेस होंगे, पैसा कमाएंगे, मेरा नाम होगा, बहुत कुछ होगा। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल हो जाते हैं। और दोस्तों देखिए, सफल असफल YouTube जो है ना, वास्तव में इसमें कहीं ना कहीं किस्मत का खेल होता है, क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों कि ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे वायरल हो जाते होंगे जिन वीडियो का कोई मतलब ही नहीं है, ना बोलने का तरीका होगा, ना एडिटिंग सही से होगी, ना कैमरा सही से, ना टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन थंबनेल कुछ नहीं, फिर भी वो वीडियो वायरल हो जाएगा। और कुछ लोग इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं, इतना खूबसूरत वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो वायरल नहीं होता है। तो देखिए, हम उन्हीं लोगों से कहेंगे, YouTube पर अगर आ रहे हैं आप काम करने के लिए जो नए लोग हैं, तो आप सब कुछ छोड़ कर के मत आइए कि नहीं मैं पहुंचूंगा, YouTube पर चैनल खोलूंगा, पैसा कमाने लगूं, नहीं, इसको आप साइड में रखिए और कहते हैं एक बैकअप प्लान लेकर के चलिए, अगर ये नहीं तो ये मैं करूँगा। और अगर खाली आप YouTube के भरोसे YouTube पर आ गए, नौकरी छोड़ दिया, अपना बिजनेस छोड़ दिया, धंधा पानी छोड़ दिया और सोचे कि अब हम वीडियो बना रहे हैं तो और एकाएक कमाने लगेंगे, तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर आपकी किस्मत तेज है तभी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको 2-3 साल लग सकते हैं आपको पैसा कमाने में। बहुत मेहनत करेंगे तो चैनल आपका मोनेटाइज होगा 6 महीने में, फिर डॉलर बनेगा धीरे धीरे। और ऐसा नहीं कि एक ही महीने में आप 1 लाख 2 लाख, नहीं, आप कभी 8,000 10,000 15,000 20 ऐसे कमाएंगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ेगी। और दूसरी बात वायरल, वायरल शब्द से दोस्तों देखिए, जो कहते हैं ना कि मैं वायरल हो जाऊं, वायरल होने में सक्सेस होने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जो लोग सोचते हैं कि मैं वायरल हो जाऊं, तो वायरल इंसान किस्मत से होता है और अपनी मेहनत से नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा अच्छा गाना गाते हैं, जिनकी आवाज़ लता मंगेशकर सोनू निगम से भी अच्छी है, वो आज कहीं ना कहीं दबे पड़े हैं। और कुछ लोग ऐसा होते हैं कि एक गाना गाते हैं, कोई मीडिया वाला पहुंचा, उनका इंटरव्यू ले लिया, वो वायरल हो गए। अभी जैसा कि अभी एक लड़की वायरल हुई है, रंजीता कुमारी। रंजीता कुमारी की दोस्तों आप लोगों को सच्चाई नहीं पता है, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। अब रंजीता कुमारी लोगों का ये कहना है कि एक वीडियो बनाई वायरल हो गई, नहीं दोस्तों, एक वीडियो नहीं बनाई थी, बहुत ही सारे उसने वीडियो बनाए थे। आज 5-6 साल से काम कर रही थी, इंस्टाग्राम पे काम कर रही थी, नहीं वायरल हुई। यूट्यूब पे उसके बहुत कम सब्सक्राइबर थे, उसका एक गाना वायरल हो गया। हालांकि रंजीता कुमारी से अच्छे अच्छे गाने यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, अच्छी अच्छी एक्टिंग यूट्यूब पर पड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि रंजीता कुमारी ने बहुत अच्छी एक्टिंग कर दी, बहुत कुछ कर दिया, नहीं, बहुत अच्छे अच्छे उससे लोग पड़े हुए हैं
लेकिन रंजीता कुमारी वायरल हो गई। तो दोस्तों इसको कहते हैं किस्मत। आज मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर ऐसे ऐसे लोगों के पड़े हुए हैं, आप उनका वीडियो जा करके देखिए, किसी काम का वीडियो नहीं बनाते हैं, किसी कोई अच्छी बातें नहीं करते हैं, अच्छी एडिटिंग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मिलियन सब्सक्राइबर लेकर के खड़े हैं। और जो लोग अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 1,00,000 पहुँचते पहुँचते पसीना छूट जाता है। तो इसको किस्मत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अब गोरखपुरिया भौजी की दोस्तों अगर हम बात करें, गोरखपुरिया भौजी ने जिस समय अपना चैनल खोला था, एक एक दिन में उनके 50,000 सब्सक्राइबर बढ़ते थे। क्या कहेंगे कि उनको इतना बड़ी वो स्टार थी कि उनको देखते ही लोग सब्सक्राइब कर, नहीं, उनकी किस्मत तेज थी, YouTube ने उनके वीडियो को आगे रिकमेंड किया, लोगों ने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइबर उनके बढ़ गए। मैं भी पहले सोचता थी, मेहनत होती है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं होती, मेहनत से बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर 50% मेहनत है तो 50% किस्मत भी होती है। लक्ष्मण का देखिए, लक्ष्मण गुड़िया गोरखपुरिया को आप लोग जानते होंगे, उसका भी यही हाल था, 6 महीने के अंदर मिलियन उसने क्रॉस कर दिया। मिस्टर विष्णुराज चौहान का जानते चैनल 9 दिन में मोनेटाइज हुआ था, मात्र 9 दिन में मिस्टर विष्णुराज चौहान का चैनल मोनेटाइज हुआ था। आज मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन मालती चौहान का अगर शुरू से आप वीडियो उठा करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या थी, और विष्णुराज का ही वीडियो उठा करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या थे। तो इसको दोस्तों कहते हैं किस्मत। और अगर मेहनत की बात किए तो वायरल होने के बाद, सक्सेस होने के बाद उन्होंने मेहनत की, अपने आप को संवारा, अपने आप को निखारा, अपने आप को मांजा, और कोयला से वो लोग हीरा बन गए। तो इसीलिए जो मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे कल लाइव में बहुत से लोग जुड़े थे, सब्सक्राइबर जुड़ी थी, नाम मैं अभी उनका नहीं लूँगा, वो बोले कि मरने के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। देखिए बहुत से लोग होते हैं कई साल काम करते करते छोड़ देते हैं, 10 साल काम करते करते छोड़ देते हैं, चैनल उनका मोनेटाइज नहीं होता है। और कुछ लोग होते हैं चैनल खोलते हैं और एक ही वीडियो से चैनल मोनेटाइज हो जाता है। अगर एक वीडियो आपका 1-1.5 लाख चला जाए तो आपका उसी से 4,000 घंटा पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सोशल मीडिया का खेल निराला है, कौन कब चमक जाए कोई कुछ जानता नहीं है। तो हमारे सीधा देखिए कहने का मतलब ये है, आप नौकरी छोड़कर, बिजनेस छोड़कर, सब कुछ छोड़कर के यूट्यूब पर मत आइए आप लोग। मैं लाइव का जवाब दे रहा हूँ आप लोगों को। और जो आप कह रहे हैं 4-4 वीडियो एक दिन में डालते हैं, 100 वीडियो एक दिन में डाल दीजिए, अगर आपकी वीडियो में क्वालिटी नहीं रहेगी, आपकी वीडियो में कंटेंट अच्छा नहीं रहेगा, लोगों को आपकी वीडियो पसंद नहीं आएगी, तो ऐसा वीडियो डालने से कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों यही सारी बातें थी, बाकी क्या गलत है क्या सही, कुछ लोगों को शायद पसंद आए, कुछ लोगों को ना पसंद आए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा इस चैनल पर ब्लॉग नहीं जा पा रहा है, कल भी नहीं जा पाया, आज भी बहुत लेट जाएगा, 9:30 बजे ब्लॉग जाएगा, क्योंकि दोस्तों कुछ प्रॉब्लम है, बाकी कल से हम ब्लॉग डालेंगे। काउंटिंग, चलिए बाय बाय।